हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक एडू आइडिया चैनल। इस चैनल के द्वारा आपको दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा का कॉलेज रिव्यू मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल रिव्यू मिलेगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया जाएगा, सारा पॉइंट पर डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका डी सी दरभंगा का डिटेल रिव्यू होने वाला है वीडियो। और इससे पहले मैं लगभग जो भी 6 टेक्यूब कॉलेज है, ये 7वां टेक्यूब कॉलेज है, तो 7ों टेक्यूब कॉलेज का आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पर, और आप जाकर वहाँ देख सकते हैं सारे, और लिंक भी मैं दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस कॉलेज रिव्यू को। आपका ये कॉलेज रिव्यू टेक एडू आइडिया चैनल दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये आपका ओल्ड कैंपस हो गया दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, और ये 2011 से पहले ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, और 2011 के बाद से और 2011 से आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये आ गया है, ठीक है। ये दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये इसका ओल्ड बिल्डिंग हो गया, ये आपका न्यू बिल्डिंग हो गया है, ठीक है। तो ये न्यू बिल्डिंग आप देख सकते हैं ऐसा है, ठीक है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक परमानेंट कैंपस है, ठीक है। इसका बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट बन चुका है और इसमें कुछ बाकी नहीं है। आई थिंक हॉस्टल, एक दो और हॉस्टल बनाने की ज़रूरत है, वो बन रही है, ठीक है। एकेडमिक सेक्शन पूरी तरह कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है। 2008 में ये बना हुआ है, कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है। और आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई चीज़ चेक करना है, तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। सारा जानकारी जो भी मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, सारा चीज़ ऑफिशियली सही है, ठीक है। तो आप जाकर उसको वहाँ भी चेक कर सकते हैं। बताते हैं आपको कुछ कि ये दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कुछ खासियत जो है, 4-5 खासियत वो बात करते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सस्ता गवर्नमेंट कॉलेज है कि जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। सेकंड, ये अफिलिएटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का ये आपका लोगो है, ठीक है। और ये एक टेक्यूब 3 कॉलेज है। टेक्यूब 3 क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक मुहिम चलाया गया है, जिसके जो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्यूब फंडिंग देता है, ठीक है। और उसके अंतर्गत आपको NIT और IIT से पढ़े हुए प्रोफेसर आते हैं जो आपको यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब आपको एक्सपोजर मिलता है, आप बिहार के होते हुए भी आपको आउटसाइड का एक्सपोजर मिलेगा, कैसे प्लेसमेंट होता है, कैसे कंपनी से आपको टॉक करना है, कैसे कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है, वो लोग थोड़ा हेल्प करते हैं, ज़्यादा पढ़ाने के दौरान ही आपको बता देते हैं बहुत सा चीज़। तो वो टेक्यूब 3 कॉलेज की, इसलिए इसको कहा जाता है। और ये मैक्सिमम आपको NIT और IIT के ही टीचर्स यहाँ मिलेंगे, ठीक है, टेक्यूब 3 के अंतर्गत। और टेक्यूब 3 के अंतर्गत आपको बहुत से मैक्सिमम चीज़ों पर आपको टेक्यूब 3 लिखा रहेगा। आप जब कॉलेज जाइए तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम चीज़ पर टेक्यूब 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो चीज़ टेक्यूब 3 के अंतर्गत है। और टेक्यूब 3 के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ तमाम चीज़ें मिलती हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, को एजुकेशन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं एक क्लासरूम में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दरभंगा कॉलेज है, ये बाढ़ के पानी से घिर जाता है। नया बिल्डिंग बना है, बट ये इसका यही ड्रॉबैक है कि इसको बनाना सही से बनाना चाहिए था, थोड़ा ऊंचाई पर बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का बाढ़ का पानी आकर यहाँ पर मतलब जिसके कारण 2 महीने के लिए कॉलेज बंद हो जाता है। देख सकते हैं आप, ये बाढ़ का पानी देख सकते हैं आप कैसा हो गया है, देख रहे हैं पूरा बाढ़ का पानी लग जाता है। यही इसका डिमेरिट है, 2 महीने के लिए लगभग कॉलेज बंद हो जाता है। नया बिल्डिंग बना है, बट कैसे लोग ध्यान नहीं दिए हैं इस चीज़ पर, ठीक है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अच्छा है, सही है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू क्या है, कैसा है। लेक्चर थिएटर है, लैब है, लाइब्रेरी भी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, ये सब है। और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, प्ले ग्राउंड है, कंप्यूटर सेंटर है, वाईफाई कैंपस है। मतलब आपको जो भी बिहार के कॉलेज है, लगभग उसमें सारे कॉलेज में आपको वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। आप अनलिमिटेड चला सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ मिलता है आपको। कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऑडियो वीडियो हॉल है, फैकल्टी स्टाफ क्वार्टर्स, स्टाफ के लिए क्वार्टर्स भी है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर है, बैंक है। और आपको बता देते हैं कि न्यू स्टार्टअप के लिए आपको सेल भी बना हुआ है, जिसके थ्रू आप अपना स्टार्टअप और अपना कोई रिसर्च कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप IIT और NIT में जाके अपना रिसर्च शो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम निकलता है कि जिसमें आप अपना जाकर शो कर सकते हैं, वो सब भी कर सकते हैं यहाँ पर।
और आप बात करते हैं कि ब्रांच कौन कौन से ब्रांच यहाँ रन करती है, तो यहाँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच है पहला ब्रांच, सेकंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड सिविल इंजीनियरिंग एंड फोर्थ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये चार ब्रांच है और मैं आगे एक पेपर कटिंग दिखाऊंगा जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि 2022 से आपको एक पाँचवा ब्रांच भी आने वाला है, फायर एंड सेफ्टी ब्रांच। ठीक है, इस कॉलेज का कॉलेज फी है जो आपका 4 साल में लगेगा वो 50,000 लगेगा, मैक्स टू मैक्स आपका 60,000 के अंदर ही है सब। 50,000 आपका लगेगा, मानते मैक्सिमम होगा तो 60,000 लगेगा। ठीक है, बाई चांस बढ़ता है। ठीक है, तब आपका यहाँ के एनुअल टेक फेस्ट जो है आपका ज्ञान की है, एनुअल टेक फेस्ट है, ज्ञान की टेक फेस्ट मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं सुबह के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस साल नए कोर्स जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो भी तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लगभग आई थिंक 90% कॉलेज में, 90% कॉलेज में है कुछ ना कुछ ब्रांच जुड़ रही है। ठीक है, तो जो आपका दरभंगा कॉलेज है, यहाँ आप देख सकते हैं पेपर कटिंग में फायर एंड सेफ्टी दरभंगा और भागलपुर में आ रही है, ये दो दो कॉलेज में ये ब्रांच फायर एंड सेफ्टी ब्रांच। ठीक है, और जो भी कॉलेज है उसमें कौन कौन सा ब्रांच आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच आ रहा है। ठीक है, ये एक टेक्यूब कॉलेज है, ये मैं आपको बताया टेक्यूब कॉलेज बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है टेक्यूब कॉलेज से। ठीक है, तो जो शुरू के टॉप 7 कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे आपका हो गया मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, गया, छपरा, मोतिहारी और दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सातों इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्यूब कॉलेज है बिहार के, जिसमें आपका NIT और IIT के टीचर्स आकर पढ़ाते हैं। ठीक है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आकर वर्क करते हैं, वो टीच करते हैं। ठीक है, और बहुत सा फंडिंग भी आता है। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट पे वर्क किया जाता है यहाँ पर, ग्रेवियंस रेसिडियल सिस्टम भी है आपका, रिसर्च एंड इनोवेशन पे भी वर्क किया जाता है। बात करते हैं ये आपका ज्ञान की जो आपका है, ये आपका वहाँ का टेक फेस्ट है। ठीक है, बात करते हैं कि बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, तो दो बॉयज हॉस्टल्स है और एक गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल की कैपेसिटी 300 है और गर्ल्स हॉस्टल की कैपेसिटी 150 है। ठीक है, तो आप अब फर्स्ट ईयर में आपको कोई हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, सेकेंड ईयर में भी कुछ बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा और कुछ को नहीं मिलेगा, बट धीरे धीरे सरकार काम कर रही है बिल्डिंग बनाने पर, हॉस्टल बनाने पर, जिसके थ्रू आपको आने वाले समय में आपको सबको हॉस्टल मिल सकता है। ठीक है, अब बता देते हैं आपको कि कोई भी कॉलेज का सबसे मेन चीज़ होता है प्लेसमेंट। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, ऐसे जहाँ तक आप लोग सुने होंगे कि बिहार में थोड़ा प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, रियली बिहार में प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, बट जैसे आपको कोरोना आया है और कोरोना से पहले भी जितना कंप्यूटर का डिमांड हो गया है, उस बेसिस पे लड़के ऑनलाइन अपना इंटर्नशिप सब कुछ कर रहे हैं, सेल्फ से मेहनत कर रहे हैं, तो उनका अब प्लेसमेंट लग जा रहा है, कॉलेज कम मैटर करता है। ठीक है, पहले मैटर ज़्यादा करता था, अब थोड़ा कम करता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको मैं थंबनेल पे एक चीज़ लिखा था कि 15 लाख का पैकेज जो लगा है और रियली में लगा है कि नहीं लगा है दरभंगा से, रियली में आपको दरभंगा से 15 लाख का पैकेज लगा है, ये तन्नू कुमारी मैम जो है आपका, इनका 15 लाख का पैकेज लगा है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 15 लाख पर एनम, यहाँ आप देख सकते हैं 15 लाख पर एनम लगा है लिखा हुआ, ये कॉलेज की वेबसाइट से मैं इसको लिया हूँ इस स्लाइड को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ के बच्चे से भी बात किया कि हाँ, तो लोग बोले कि हाँ 15 लाख पर एनम का रियली लगा है, 17-21 बैच की ये है टन कुमारी मैम। ठीक है, ये ऑफ कैंपस के थ्रू आपका ये प्लेसमेंट ली है। ठीक है, और जो नॉर्मली प्लेसमेंट लगता है वो 3.5 से 4.5 के बीच में लगता है, जैसे इंफोसिस में लगा है, विप्रो में लगा है, ये सब जो मैं लिया हूँ वेबसाइट से ही लिया हूँ, कॉलेज के वेबसाइट से। फैसिलिटी फॉर रिक्रूटर्स जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ इस कॉलेज में, आपको ऑडियो विजुअल हॉल मिल जाएगा, वाईफाई कैंपस, रूम्स फॉर रिटेन टेस्ट, फैसिलिटी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, गेस्ट हाउस, रूम्स फॉर मीटिंग, GD, PI, कंप्यूटर सेंटर एक्सेट्रा आर देयर फॉर रिक्रूटर्स विच कंपनी विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू रिक्रूट स्टूडेंट्स। ठीक है, उनके लिए ये है। बात करते हैं कि यहाँ के बच्चे कहाँ से इंटर्नशिप करते हैं, यहाँ के बच्चे जो होते हैं इंटर्नशिप आपका ये रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं, जैसे आई आई टी पटना, ISM धनबाद, IOCL, BSNL, NTPC, NIT पटना, टाटा मोटर्स, विप्रो एक्सेट्रा। ठीक है, इन रिनाउंड कंपनी एंड रिनाउंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से करते हैं ये लोग इंटर्नशिप। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो होते हैं JEE Main से आते हैं, जो JEE Main क्रैक करता है वही लगभग आता है, आई थिंक कुछ मॉपअप राउंड में जो नहीं क्रैक कर पाते हैं वो ही आते हैं, मगर ऐसे तो सब JEE Main से ही आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्कशॉप भी है और वर्कशॉप भी होता है, जो यह सब फोटो मैं कॉलेज की वेबसाइट से लिया हूँ। ठीक है,
अब बात करते हैं कि एडमिशन के लिए आपका क्या रैंक होना चाहिए, ये सब बात करते हैं। तो जो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही काउंसलिंग होगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, और जो आपका रैंक ऐड कैसे आएगा, जितना तमाम प्रोसेस है, जिस सारे तमाम प्रोसेस है, उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर रेगुलर अपडेट देता रहूँगा, तो जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और जैसे कि मैं बता देता हूँ कि आपका रैंक कार्ड आता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आपका जैसे रैंक कार्ड जो आएगा, तो सिविल के लिए आपका कितना रैंक होना चाहिए मिनिमम, जनरल के लिए बता देता हूँ मैं, 1307 लिखा हुआ है, जिसका मतलब 1200 से 1400 अगर रैंक है आपका, तो सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपका दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 654 लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका लगभग आपका 500 से 700 के बीच में होना चाहिए, तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका यूआर मतलब जनरल के लिए 1735 होना चाहिए, मतलब आपका 1600 से 1800 के बीच में है, तो आपको इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा। और मैकेनिकल के लिए आपका, अगर आपका 2500 लिखा हुआ है, इस मीन्स 2400 से 2600 के बीच में है, तो आपका मैकेनिकल भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, जिससे ताकि जो भी अपडेट है, ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस में और जो भी आपको प्रॉब्लम आने वाले, सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिर्फ बने रहिए चैनल पर, तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं कि जो पास्ट रिक्रूटर्स कौन कौन सी कंपनियाँ आती है और कौन कौन सी कंपनी विजिट कर बच्चों को रिक्रूट करती है। तो SCL हो गया, अस्टॉम हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, ग्रीफियो, ग्रीफियो तो बहुत बच्चों को ले गई हैं, ठीक है, सिग्निटी ग्रुप्स भी बहुत सारे ले गई हैं, और सिविल में प्रिज सीमेंट हो गया, इम्फोटेक, बहुत सारी कंपनियाँ लेके जाती हैं, सफाई इन्फो कम भी है, बहुत सारी आती हैं और ले जाती हैं, ठीक है। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हूँ कि किन किन बच्चों को, बहुत सारे वहाँ फ़ोटो दिया रखा हुआ है, आप जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर और देख सकते हैं भी, मैं उनमें से कुछ फ़ोटोज को आपके लिए दिखाने के लिए लिया हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे हैं जो TCS में जिनका प्लेसमेंट हुआ है, तो ये वेबसाइट पर दिया हुआ था, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब बात करते हैं कि एवरेज पैकेज क्या है इस कॉलेज का, तो आप देख सकते हैं 3.5 लाख एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का, 3.5 से 4.5 लाख, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज तनु कुमारी मैम का गया है, 15 लाख गया है, ठीक है। कंपनी विच विजिटेड लास्ट ईयर और प्रीवियस लास्ट ईयर, तो जो जो कंपनी आई थी वो आप देख सकते हैं, SCL हो गया, प्रिंस सीमेंट हो गया, टाटा मोटर्स, ग्रीफियो, TCS, महिंद्रा, सिस्को, IBM एक्सेट्रा, दीज आर द कंपनी विच विजिटेड लास्ट ईयर इन दिस कॉलेज। एंड और बता देता हूँ मैं कि प्लेसमेंट आपका कॉलेज में भी होता है और पूल कैंपस में, कुछ कुछ कंपनी होती है जो कि पटना में बैठ जाती हैं, और बिहार के जितने AQU से अफिलिएटेड कॉलेज है, सारा कॉलेज आकर वहाँ पर पूल कैंपस में, कॉलेज में आकर स्टूडेंट्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं कैंपस प्लेसमेंट में, ठीक है। तो गाइज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जितना भी ये हो गया इंजीनियरिंग के, बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, BCC बोर्ड, AQU से, और गवर्नमेंट जॉब, कुछ और यूनिवर्सिटी के भी रिलेटेड वीडियो और अपडेट्स मैं आपको इस चैनल पर लाते रहता हूँ रेगुलरली, ठीक है। तो गाइज आप स्पेशली बिहार इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, BCC बोर्ड और AQU आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से जो भी रिलेटेड अपडेट होगा मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ। एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग और एडमिशन होने के बाद फर्स्ट ईयर में कैसे आपको एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल कैसे होगा, इंटर्नशिप कैसे होती है, सारा चीज़ आपको तमाम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा TechEDU आइडिया चैनल को, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कैसे एडमिशन होती है। 2019 से पहले आपका एडमिशन BCC बोर्ड के थ्रू होती थी, ठीक है, बट 2019 के बाद से आपका ये JEE मेंस के थ्रू एडमिशन हो रहा है। मीन्स JEE मेंस का आप एग्जाम दीजिए और उसके बाद यहाँ पे जब इसका काउंसलिंग का और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, वो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए तो आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस होता है JEE मेंस के थ्रू। आप JEE मेंस दिए हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपको इसके लिए अलग एग्जाम, इसके लिए अलग एग्जाम नहीं होता है, JEE मेंस के थ्रू ही आपका एग्जाम होता है और आपका एडमिशन होता है। आपके लिए एलिजिबिलिटी, सबसे एलिजिबिलिटी मेन मैटर होता है, तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए 12th में या डिप्लोमा में, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं कोई भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक है। आपका जो आपका परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लगभग नियर अबाउट 75 से 85 होना चाहिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में, ओके। बात करते हैं कि आपका फ़ी कितना है, फी डिटेल थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। एडमिशन फ़ी आपका 3,330 रुपया है जनरल और OBC बच्चों के लिए, और SC ST के लिए आपका 3,210 रुपया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चार्ज 2100 रुपया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम फ़ी 3,700 रुपया पर सेमेस्टर,
छः महीना पर आपको 3700 रुपये देना होगा यूनिवर्सिटी और एग्जाम फी के रूप में। अब बता देते हैं आपको इसका ट्यूशन फी क्या है इस कॉलेज का, तो एक महीना का 10 रुपये लगता है, मीन्स एक साल का 120 रुपये लगता है ट्यूशन फी। इसलिए सबसे सस्ता कॉलेज है ये बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। आप अपने बल पर आप यहाँ आइए और अपने बल पर आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, बड़ा प्लेसमेंट और नॉर्मल प्लेसमेंट आपको कॉलेज करवा देती है 3 to 4.5 लाख, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए बताता हूँ मैं, और नॉर्मल ब्रांच के लिए थोड़ा गेट उट करना होता है, ठीक है। तो हॉस्टल चार्ज आपका यही 7200 होता है और 25 to 3000 आपका ये मेस चार्ज होता है, मतलब और ऑर्डिनरी जनरली देखा जा रहा है आपकी 24000 रुपये लगता है 6 महीने का, जिसमें हॉस्टल और मेस दोनों होता है, कहीं कहीं 28000 भी लगता है हॉस्टल और मेस दोनों का 6 महीना का 28000, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई आपको डाउट है एनी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से आप अपना डाउट पिनअप कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपका डाउट का आंसर दूंगा, सॉल्व करूंगा आपके डाउट को, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका डीसी ऑफिशियल प्लेसमेंट लिस्ट जो है मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। आप उस लिस्ट में ये दिया गया है कि डीसी दरभंगा में कौन कौन से बच्चों का प्लेसमेंट लगा है प्रीवियसली 3 to 4 ईयर्स लास्ट ईयर से, 3 से 4 साल पहले कौन कौन से बच्चों का लगा है, ठीक है। तो आप उसमें तनु कुमारी का भी नाम देख सकते हैं, बहुत से जो भी दिखाया हूँ मैं उन लोगों का भी नाम देख सकते हैं आप में, कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौन बच्चे ऑफ कैंपस के थ्रू पाए हैं, कौन बच्चे ऑन कैंपस पूल कैंपस मीन्स कौन बच्चा बाहर जाकर अपने सप्लाई किया है, कौन बच्चा के लिए कॉलेज में कंपनी आई है, किस किस बच्चों का पटना में आकर प्लेसमेंट हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, लगभग 64 पेज का है PDF, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इस कॉलेज का। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोटिवेशन इंक्रीज कीजिएगा हमारा, और जो भी आपको अपडेट है सब कुछ मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा जिससे ताकि आपको सारा अपडेट समय समय पर मिलते रहे, आपको पता भी चले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिल से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।